इसे अलविदा कह देना। चलती फिरते बस यूं ही तुम मुस्कुराते रहना, इसे अलविदा कह देना, इसे अलविदा कह देना। टेंशन ने हमें जीवन में बहुत परेशान किया है, लेकिन आज के बाद नहीं। जीवन की राह में ये टेंशन परिस्थितियां बीच में आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, लेकिन उस समय क्या करना है वो अभी आप सुनेंगे। इसे अलविदा कह देना। ओम शांति। सभी को बहुत बहुत प्यार भरी ओम शांति। इस नुमह शाम के वक्त आइए आज गुड बाय टेंशन उत्सव की शुरुआत करें। लेसन टू। मैं समझती हूँ आप सभी कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। कल भी मैंने कहा, आज फिर मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर जीवन वाकई में बदलना है तो एक स्टूडेंट की तरह इस ऑनलाइन शिविर को अटेंड करें। मेरी बहुत प्यार से एक रिक्वेस्ट है, घर का सभी काम ये एक सवा घंटे के लिए थोड़ा वाइंड अप करें, अलर्ट होकर टेबल चेयर पे बैठ के परिवार सहित इस आध्यात्मिक तरंगों को अपने घर में फैलने दें। आज हमारा सब्जेक्ट है आइए स्वयं को समझें, आत्मज्ञान। ये जो विषय है वर्तमान समय
जो कोरोना काल चल रहा है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस समय कई प्रकार के अप एंड डाउन लाइफ में आ रहे हैं, कई हमको डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास करना पड़ रहा है और एक डर का एक वातावरण पूरे विश्व में फैल चुका है। तो आज जब हम इस स्पिरिचुअल लेसन को समझ लेंगे तो आज के लेसन से हमारी निर्णय शक्ति बहुत एक्यूरेट काम करेगी और सबसे बड़ी बात स्पिरिचुअल तरीके से इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं वो समझ में आएगा और एक अंदर जो डर बैठा है वो बिल्कुल निकल जाएगा। कई ये सोच सोच के डरते रहते हैं, मन में एक ही विचार आता रहता है कहीं ये वायरस मुझे ना अटैक हो जाए। तो मैंने कल भी कहा कि डरना नहीं है, चौकन्ना रहना है। तो चलिए हम शुरू करें। आज मेरा आप सभी से एक प्रश्न है कि आप में से कितने लोग खुद के लिए वक्त निकालते हैं, खुद की आध्यात्मिक उन्नति के लिए? जरा पूछिए तो स्वयं से, सारे दिन में कितना वक्त हम स्वयं को देते हैं? वंडर है ना, दुनिया में हर मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे पास समय है। पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है हम अच्छे से बात कर लेते हैं, पड़ोस के घरों में क्या चल रहा है, शेयर मार्केट के गिरते चढ़ते भाव पे बात कर लेते हैं और व्हाट्सएप पे अनवांटेड मैसेज करने के लिए समय निकाल लेते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो हर चीज के लिए हम वक्त निकाल लेते हैं सिवाय स्वयं के। और एक बात को समझ लीजिए कि जितना जितना हम स्वयं को वक्त देते जाते हैं, खुद की आध्यात्मिक उन्नति, खुद की बैटरी चार्ज करने के लिए, उतना हमारे भीतर की शक्तियां, इनर पावर्स जागृत होती जाती है, उतना हमारी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होती है। जितना हम स्वयं को वक्त देते हैं, अपने भीतर जाते हैं, तो हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब आत्मज्ञान मिल जाता है तो जीवन का जो भटकाव है, जो भटकन है, वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। तो आध्यात्मिकता का सबसे पहला लेसन है खुद को पहचानना। तो आइए हम स्वयं से आज अपना इंट्रोडक्शन करेंगे कि मैं कौन हूं। आज नॉर्मल वे में अगर आपसे कोई आपका इंट्रोडक्शन पूछे तो एक जस्ट नॉर्मल तरीके में आप क्या कहेंगे? नाम बता देंगे, पोस्ट ऑक्यूपेशन बता देंगे, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं टीचर हूं। पर एक प्रश्न अपने आप से पूछिए कि जो ये मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूं नाम, क्या सिर्फ यही मैं हूं? पूछिए तो, यही आइडेंटिटी है? या जो पोस्ट पोजीशन हम बता रहे हैं, डॉक्टर, वकील, देखिए ये तो रोल है जो आप बजाते हैं,
क्लिनिक में गए तो डॉक्टर का रोल, घर पे आए तो पेरेंट्स का रोल, फ्रेंड से मिले तो फ्रेंड का रोल। तो सारे दिन में रोल बदलते जाते हैं। तो ये जो हम अपना परिचय देते हैं, ये एक फिजिकल भौतिक परिचय है जो भौतिक शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। जैसी शरीर खत्म होता है, आपका नाम खत्म, पोस्ट पोजीशन खत्म, फिर नेक्स्ट बर्थ लेते हैं तो नया कॉस्ट्यूम, नया शरीर, नए रिश्ते, नई फैमिली और नया रोल। तो फिर ये इंट्रोडक्शन नहीं है, तो फिर मेरा ओरिजिनल इंट्रोडक्शन क्या है? मैं कौन हूं? दिखने में सबका लंबा चौड़ा ये शरीर आता है, पर पूछिए क्या मैं ये देह हूं, बॉडी हूं? शरीर के लिए क्या सुनते हैं कि ये तो पांच तत्वों से बना, पंच तत्वों से निर्मित मिट्टी का एक पुतला है। शरीर मिट्टी का पुतला है, देखिए आप चित्र में देख रहे हैं ना, हड्डी मांस का पुतला। ये तत्वों से बना है और पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। तो फिर मैं कौन? तो ध्यान से सुनिए, हम सब इस शरीर से अलग, इस शरीर को चलाने वाली एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, एक पावर है, जिसको आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं सोल, आत्मा। वो आत्मा, वो पावर आंखों से नहीं दिखती है। देखिए कितनी विचित्र बात कि जो दिख रही है लंबी चौड़ी बॉडी, ये मैं नहीं हूं। एक सूक्ष्म एनर्जी, सूक्ष्म पावर, जैसे देखिए बिजली होती है ना, बिजली दिखती नहीं है, पर जब तक लाइट है, करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, सारे साधन घर में काम करते हैं। और करंट गया, इलेक्ट्रिसिटी गई, एक मिनट में सारे साधन बंद। तो आत्मा इतनी पावरफुल एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। जब तक मैं आत्मा, मैं ऊर्जा महसूस करिए, इस शरीर में बैठी हूं तो ये शरीर बोल रहा है, सुन रहा है, देख रहा है। और जैसे ही मैं आत्मा, मैं ऊर्जा, मैं एनर्जी इस शरीर से निकल जाती हूं तो इस शरीर का काम करना बंद हो जाता है। अभी हम आपको आत्म स्वरूप पे बताएंगे, इन वीडियो में आप देख रहे हैं कि आत्मा का रूप क्या है, दिख रहा है? देखिए जिस प्रकार अभी महसूस करिए, आकाश में चमकते सितारे हैं, मैं आत्मा भी सितारे से भी छोटा, एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक सूक्ष्म बिंदी, दिख रही है ना वीडियो में, माना ये मैं हूं। तो जितना जितना हम स्वयं से ये बात करेंगे कि मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं, मैं एक एनर्जी हूं, मैं एक ऊर्जा हूं, उतने आपके भीतर की शक्तियां, इनर पावर जागृत होती जाती है। देखिए अच्छे से समझ लीजिए कि जब किसी की डेथ होती है तो क्या कहते हैं, वो चला गया। कौन चला गया? शरीर तो यही लेटा है। जो आत्मा, ऊर्जा, एनर्जी,
पावर इस शरीर को चला रही है, वो ऊर्जा एनर्जी इससे निकल गई। तो मृत्यु बना कि मैं आत्मा, मैं एनर्जी जब इस देह के वस्त्र को छोड़ देती हूं तो कहते डेथ हो गई। देखिए वस्त्र सबके अलग अलग हैं, किसी ने मेल का वस्त्र पहना है, किसी ने फीमेल की बॉडी पहनी है, और हर जन्म में वस्त्र बदलते हैं, कभी मेल कभी फीमेल। पर आत्मा जो पॉइंट ऑफ लाइट है, जो ऊर्जा है, वो सेम रहती है। गीता में भी कहा है ना इसके लिए, क्या कहा, मैं, इसको फील करिए। देखिए सबसे पहले हम ये समझते कि जो आत्मा सितारा है वो बॉडी में रहता कहाँ है, वो रहती है दोनों मस्तक के बीच पॉइंट ऑफ लाइट त्रिकुटी में। साइंटिफिकली उसको कहते हैं, ये देखिए दिख रहा है मस्तक के बीच यहां बैठी रहती है। तो ऐसा आप अनुभव करें, अभी फील करिए, मैं सितारे से भी छोटी बिंदी, आत्मा एनर्जी मस्तक के बीच विराजमान हूं। साइंटिफिकली कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक उसके बीच आत्मा रहती है। तो ऐसा अनुभव करिए कि मैं आत्मा सितारे से भी छोटी हूं, एक प्रकाश की बिंदी, एक सूक्ष्म बिंदी। वो एनर्जी इस गाड़ी का ड्राइवर, ड्राइवर हूं ना मैं। जैसे देखिए चित्र में आप देखिए, कार में ड्राइवर है तो कार चलेगी, और कार में ड्राइवर गया तो नहीं चलेगी। तो शरीर एक गाड़ी है, आत्मा शक्ति ऊर्जा मस्तक पे बैठी है। ये देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच का पार्ट बता रहे हैं, और फ्रंट इसमें देखिए तो मस्तक के बीच। तो यहां बैठकर पूरे शरीर को मैं कंट्रोल करती हूं। एक मिनट इसको फील करिए कि मैं एनर्जी, मैं एक ऊर्जा, इस शरीर की गाड़ी का मालिक यहां बैठी हूं। मेरे साथ साथ अनुभव करिए कि आंखों से नहीं दिख रही है, पर जब तक मैं आत्मा, मैं ऊर्जा, मैं बिंदी इस बॉडी में हूं, मैं बोल रही हूं, देख रही हूं, सुन रही हूं, तो ये मैं हूं एक ऊर्जा। देखिए जितना हम ये सोचते ना, मैं शरीर हूं, मैं बॉडी हूं, बॉडी कॉन्शियस रहता है, रोल कॉन्शियस रहते हैं, उतना हमारी इम्यूनिटी घटती जाती है। और ये स्पिरिचुअली प्रूफ हो चुका है, जितना हम सोचते मैं आत्मा हूं, मैं एक लाइट हूं, मैं एक एनर्जी हूं, उतना हमारी इम्यूनिटी पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। ये हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका एक मेडिकल विंग है जिसमें एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है, तो उन्होंने ये सब रिसर्च करके बताया है। तो अभी फील करिए मेरे साथ साथ कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट, सितारे से छोटी बिंदी, मस्तक के बीच बैठी हूं। गीता में जिसके लिए कहा है कि मैं ऐसी ऊर्जा हूं, एक सोल हूं, एक प्रकाश हूं, कि शस्त्र मुझे काट नहीं सकते, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, वायु मुझे सुखा नहीं सकती, और पानी मुझे डुबो नहीं सकता। फील करो
मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं। विनाश शरीर का होता है, तो जैसे आप ये सोचते मैं अजर, मैं अमर, मैं अविनाशी, आपके आसपास एक पावरफुल ऑरा क्रिएट हो जाता है और डर निकल जाएगा। जो डर लग रहा है ना, कहीं चले न जाए, कुछ हो ना जाए, तो आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा तो अमर है, आत्मा अजर। चलिए हम इसको मेडिटेशन में फील करें जरा, सब हम फील करेंगे। आप सब अपने अपने घरों में अलर्ट होके बैठे, मेरी फिर रिक्वेस्ट है, घर का कोई काम नहीं, चलते फिरते स्पिरिचुअल ज्ञान को नहीं सुनना है, सब अलर्ट। हम आत्म अनुभूति करेंगे, अनुभव करिए ये शरीर, पंच तत्वों से निर्मित हड्डी मांस का देह है। धीरे धीरे अपने संपूर्ण शरीर को तत्वों में विलीन होता देखेंगे। समर्पित करिए अपनी देह को। सर्वप्रथम मेरे दोनों पैर पंच तत्वों में विलीन हो रहे हैं, लोप होते देखिए। रिलैक्स, धीरे धीरे दोनों हाथ, दोनों भुजाएं, ये भी प्रकृति के तत्व में समा गई। धीरे धीरे ये धड़, चेहरा, पूरा शरीर मिट्टी मिट्टी में मिल गया, और अब मैं रह गई केवल ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, शक्ति की बिंदी, प्रकाश की बिंदी, अजर, अमर, अविनाशी आत्मा, यही मैं हूं। मैं चैतन्य हूं, शस्त्र मुझे काट नहीं सकते, पानी मुझे डुबो नहीं सकता, वायु मुझे सुखा नहीं सकती। देखिए, यही मेरा असली आध्यात्मिक परिचय है, एक ज्योति बिंदु, चैतन्य शक्ति, इस शरीर की गाड़ी का ड्राइवर। आत्मदर्शन करते रहिए, ओम ध्वनि बजेगी। जब ओम ध्वनि बजे तो आप सब अपने अपने घरों में अपने मुख के द्वारा ओम शब्द का उच्चारण करें। बैठ जाइए स्ट्रेट, और जब ओम शब्द का उच्चारण करेंगे तो आत्म स्वरूप एकाग्र करिए ओम शब्द की ध्वनि। Oh.
मन को ये महसूस करिए, सारा दिन सोचना है क्या? सोचना, मैं एक अति शक्तिशाली आत्मा हूं, मेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं, मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। ये आपका एक्शन प्लान है आज का होमवर्क। दिन में कई बार चलते फिरते आप बस एक एक मिनट भी अगर ये सोच लेंगे, मैं अति शक्तिशाली आत्मा हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, एक्शन प्लान देखेंगे वीडियो में, तो इससे क्या होगा, आपके भीतर का जो फियर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जैसे चलते फिरते नेचुरल इंट्रोडक्शन याद रहता है, मैं फलाना, पर ब्रह्मा कुमारी कहती है चलते फिरते याद रखो मैं एक ज्योति बिंदु हूं, मैं एक शक्ति की बिंदी हूं। ऑटोमेटिक इसका इफेक्ट क्या होगा, दिन में कई बार, ये होमवर्क है आपका, देखिए कई बार स्वयं को ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक पर चमकता देखिए, और इस अनुभव को करने का इफेक्ट क्या होगा, ये कोरोना काल में सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जितनी बार आप खुद को मस्तक के बीच ज्योति बिंदु आत्मा एक एक मिनट के लिए भी एक घंटे में फील करेंगे, एक तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाएगी। दूसरा इफेक्ट, जब आप स्वयं को ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक पर देखेंगे, तो कई लोग शिकायत कर रहे, दीदी बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार चल रहे हैं, तो जो विचारों की स्पीड है वो एकदम शांत हो जाएगी। खुद को ज्योति बिंदु आत्मा समझने से मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। एक ही दिन में आपको अनुभव होगा। देखिए भाई बहनों, पिछले 21 सालों से पूरे भारत में हम ये शिविर करा रहे हैं, और हमारा अनुभव है जो जो भाई बहने सिंसियरली ईमानदारी से होमवर्क करते हैं, निश्चित उसके रिजल्ट्स 100% निकलते हैं। आपको सिर्फ ये करना है, घर बैठे ऑनलाइन परमात्मा ने अवसर दिया है, जुट जाइए इसके अंदर, करिए होमवर्क। उसका रिजल्ट ये होगा, जितना जितना ज्योति बिंदु आत्मा समझेंगे आपका मन एकाग्र होता जाएगा। कई स्टूडेंट लोग बताते हैं कि दीदी आत्म अनुभूति से मन इतना एकाग्र हो गया कि घंटों हम पढ़ाई पढ़ लेते हैं। तो ये जो होमवर्क, फिर हम अगला टॉपिक पे जा रहे हैं, ये जो आज का होमवर्क है, स्वयं को हर घंटे में एक मिनट अनुभव करो कि मस्तक के बीच पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति स्वरूप आत्मा चमक रही हो। कईयों को मस्तक के बीच टफ लगता है, तो आप वो भी फील कर सकते हैं जो मैंने अभी कराया, कि शरीर पूरा लोप हो गया है ही नहीं और केवल आत्मा ही हूं, पॉइंट ऑफ लाइट। तो क्या क्या फायदा हो गया इसका, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, मन शांत हो जाएगा। बस यही हूं, एकदम चमकता स्टार,
एक सूक्ष्म एनर्जी। अब चलिए हम आगे के लेसन पर डिस्कस करें। मेरा आपसे एक प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। अब मैं गुड बाय टेंशन उत्सव की तरफ बढ़ रही हूं, एक प्रश्न पूछती हूँ। मीठे भाई बहनों, इस कोरोना काल के अंदर जरा अपने से पूछिए, मेरे भीतर की मुस्कुराहट तो खत्म नहीं हो गई? क्योंकि कई चुनौतियां सभी के सामने आई हैं, आ भी रही हैं। हम देखते हैं, कईयों को कैरियर को लेके संकट आया, जॉब, नौकरी, व्यापार, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हम सुन रहे हैं। अच्छा, कई लोग सीनियर सिटीजन अभी भी घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बच्चे ज्यादा घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, दोस्तों से मिलना जुलना, वेकेशन बंद है, सब कुछ बंद है अभी। तो पूछिए, कहीं इस कोरोना ने जीवन की मुस्कुराहट तो नहीं खत्म कर दी? मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूं, किसी प्रकार का दबाव, तनाव ब्रेन पर कोई लोड है, अगर प्रेशर, तो इसी क्षण उस सर्वोच्च शक्ति परमात्मा को दिल से समर्पित कर दीजिए कि प्रभु आप संभालिए। आज से ध्यान से सुनिए, अपने अपने घर का हेड, मुखिया परमात्मा को मान लीजिए, दिल से स्वीकार करिए। वो हेड है तो हेडेक सारा उसका। ये भावना बहुत काम करती है, और आप हेड है तो सारा हेडेक आपका। तो अभी एक बहुत सुंदर आपको मेडिटेशन कराएंगे जो आपको घरों में करना है, और एक चित्र भी दिखाया जाएगा, एक कैलेंडर, उसको टांग के आप अपने घरों में रख लीजिए, दीवालों पर बड़ा बड़ा करके लगा लीजिए, और वो मेडिटेशन रोज आपको करना है। अभी मैं आपसे कहती, अगर कोई चिंता है, चेक करिए तो अभी मेरे साथ साथ, कोई तनाव है, कोई दुख चल रहा है, थोड़ा बहुत भी प्रेशर है, परेशानी है, दिल से प्रभु को कहो, प्रभु आप संभालो, तेरा करो, प्रभु सब आपका, मैं ट्रस्टी हूं, ट्रस्टी बनकर जीवन जीना है। ट्रस्टी लोग होते हैं ना, उनका कुछ नहीं होता, सारा कारोबार ट्रस्ट का होता है, पर निमित्त भाव उनको रहता है, मेरा कुछ नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, पर उनको रहता है मैं ट्रस्टी हूं। तो घर संभालिए, परिवार संभालिए, और जो मैं आपको अभी संकल्प दे रही हूं, रोज करिए उसको। सब शांति में एकांत में बैठे और आप कैलेंडर देखें, चिंतन करें, ये घर परमात्मा का मंदिर है। धीरे धीरे चिंतन करिए, इस घर का मालिक स्वयं भगवान है। डीपली फील करिए, इस घर का मुखिया स्वयं परमात्मा परम शक्ति है। इस घर के सभी सदस्य भगवान के बच्चे, महान आत्माएं हैं,
ये धन, ये संपत्ति, सारे साधन, सारा कारोबार परमात्मा का है। डीपली सोचिए, मैं भी उसी का हूं, मेरा हर कर्म उसका है। चिंतन करिए, उस ईश्वर ने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरी सारी जिम्मेवारियां उसने ले ली है, वो सर्वशक्तिमान मुझे साथ दे रहा है। मैं तो ट्रस्टी हूं, इस घर का मालिक हेड परमात्मा है। ये घर परमात्मा का मंदिर है, तो मीठे भाई बहनों, कोई भी चिंता अगर चल रही है, कोई तनाव है, कोई बोझ है, इसी वक्त प्रभु को अर्पित करिए। प्रभु आप संभालो, ऐसे करिए दोनों हाथ। मेरा आपसे निवेदन है, ये जो आप कैलेंडर देख रहे हैं, इसको घर में बड़ा बड़ा करके दीवारों पे टांग लीजिए और दिन में कई बार इसको मंत्र की तरह पढ़िए, अनुभव करिए। और अभी ऐसे दोनों हाथ करिए और बोलते जाइए मेरे साथ, बोलिए जरा, ऐसा नहीं घर में बैठे कौन सुन रहा है, मुझे आपकी सूक्ष्म आवाज आ रही है और दीदी मुझे बता भी देती है लाइव चैट पर लोग क्या क्या कर रहे हैं होमवर्क। तो बोलिए, हे प्रभु, मेरी सारी चिंताएं आपको अर्पित करते जाइए जरा। कोई दुख चल रहा है, बोलो आप संभालो, आप संभालो। तनाव चल रहा है, कठिन परिस्थिति चल रही है, मैं ट्रस्टी हूं, ऐसे करिए दोनों हाथ। मैं ट्रस्टी हूं, परमात्मा हेड है। बहुत अच्छा, हाथ नीचे करें। मेरा आपसे ये कहना है कि देखिए, आज शिविर का सेकेंड डे है, आज ही आप अपनी जिंदगी से तनाव शब्द को बिल्कुल विदाई दे दीजिए। इस बात को समझिए, जितना हम बार बार ऐसा बोलते हैं ना, मैं बहुत तनाव में हूं, मैं बहुत चिंतित हूं, आई एम अंडर स्ट्रेस्ड, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूं, ऐसा बोलने से हमारी सेहत पर और ही बुरा असर पड़ता है। जितनी बार आप ये सोचते हैं मैं बहुत तनाव में हूं, ब्रेन में मौजूदा न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको और तनाव की अनुभूति कराते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी कहती है, इस तनाव को रिप्लेस करिए और इसकी जगह आज से एक शब्द ले आइए, आप लिख लीजिए, मैं आनंद में हूं। क्या सोचेंगे, भले ही चल रहा है, हम ये नहीं कह रहे नहीं चल रहा तनाव, अगर चल भी रहा है तो भी कल सुनाया था, संकल्प से सिद्धि होती है। बार बार मंत्र की तरह रटते रहेंगे, मैं आनंद में हूं, मैं आनंद में हूं, मैं आनंद में हूं, तो संकल्प से सिद्धि, माना आप पाएंगे जो तनाव चल रहा है वो फिनिश हो जाएगा कुछ ही दिनों में और आप आनंद में आ जाएंगे। आप संकल्पों का जादू फील करके देखें तो सही। हम मानते हैं कि जीवन में किसी न किसी बात की परेशानी लगी रहती है,
धन कम है तो भी व्यक्ति परेशान है, धन बहुत है तो भी परेशान है, मित्रों से भी परेशान है तो दुश्मनों से भी परेशान है। तो अभी एक व्रत लीजिए, अभी लीजिए मेरे साथ, मैं धीरे धीरे बोलती हूं। व्रत एक डिसीजन, एक डिसीजन लेना है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि चाहे जीवन में, बिजनेस में कितनी भी अप एंड डाउन हो जाए, माना बाहर रूप से कुछ भी चल रहा है, संबंधों में हलचल मचे, जीवन में विपरीत परिस्थितियां आ जाए, पर मुझे अपने भीतरी आनंद को गंवाना नहीं है। क्यों नहीं गंवाना? क्योंकि समय परिवर्तनशील है, जो आया है वो जाएगा, सब चला जाएगा भी है। मैं आनंद में हूं, मैं आनंद में हूं सोचेंगे तो आनंद में रहना आपका संस्कार बन जाएगा, और आपको अनुभव होगा कि जो परिस्थितियां चल रही है वो समाप्त हो जाएंगी और आपके भीतर का आनंद जागृत हो जाएगा। तो क्या समझा? अपने आप से पूछ लीजिए, क्योंकि क्या होता है भाई बहनों, जितना हम चिंता करते हैं, जितना नेगेटिव सोचते हैं, जितना डर लगता है, उतनी हमारी इम्यूनिटी कम होती जाती है, वीक होती है। और जितना हम खुश रहते हैं, जितना हम हल्के रहते हैं, जितना पॉजिटिव रहते हैं, उतना इम्यूनिटी बढ़ती जाती है। तो अपने आप से पूछिए, क्या मैं रेडी हूं आज से अपने जीवन की डिक्शनरी से तनाव शब्द को रिप्लेस, और उसकी जगह क्या करेंगे? बोलिए तो जरा, हाथ ऊपर करके घरों में जरा मैं देखू, जोर से बोलिए, मैं आनंद में हूं। बोलिए जरा, पूरे घर में आवाज गूंजने दीजिए। वेरी गुड, देखो हमारी बहने कितनी सुंदर कर रही है, जोर से, मैं आनंद में हूं। बोलिए पूरे घर में, मैं आनंद में हूं, मैं आनंद में हूं। क्या होगा? संकल्प से सृष्टि, धीरे धीरे आनंद बढ़ता जाएगा, आप आनंद में आएंगे और तनाव विदाई हो जाएगा। मैं कहती हो ही गया, आप मंत्र की तरह रटी, तो फिर मैं रिपीट कर रही हूं कि कोरोना काल सबके लिए संकट है। हम ये नहीं कह रहे, हम इसको इग्नोर नहीं कर रहे, चुनौतियां भी है। कई लोग सुना रहे कि हम घर में बोर ही हो गए, अकेलापन फील हो रहा है, सब कुछ है। पर मैं फिर आपसे यही कहती हूं, समय परिवर्तनशील होता है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, और हम अपने संकल्प शक्ति के द्वारा इस चुनौती को अवसर में बदल ही देंगे। जैसा जैसा हम कहें बस होमवर्क करते जाइए। तो इस संकट के समय जीवन की मुस्कुराहट खत्म नहीं करनी है। मुस्कुराइए तो जरा, मैं देखूं आपको घर बैठे बैठे, हाँ वेरी गुड, बाहर से तो मुस्कुराए, भीतर से कब मुस्कुराएंगे? जब सारा प्रेशर, सारे बोझ, सारा लोड अर्पित करे सर्वोच्च शक्ति को। कल भी संकल्प दिया था ना, फिर रिपीट करूं, संकल्प करो वो सर्वशक्तिमान, हजार भुजाओं वाला परमात्मा मेरे साथ ही है। एक अनुभव करिए कि वो डिवाइन लाइट मेरे साथ है और मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। ठीक है, तो तनाव की जगह हम क्या लिया है, कौन सा वर्ड लिया है? मैं आनंद में हूं। मैं आपसे कहती, आज से जीवन का एक नियम बनाइए। क्या नियम? आंख खुले तो मुस्कुरा के उठे, टेंशन में नहीं उठे। कई कई आंख खुलते से ही व्हाट्सएप ही देखते हैं आजकल,
फेसबुक पे ही देखते रहते हैं। मुस्कुरा के उठना है और जो कल 5-7 विचार दिए आप बेड पे ही कर लीजिए बैठे बैठे, फिर नीचे उतरिए। माना एक पावरफुल ऑरा क्रिएट करना है, जो संकल्प आपको दिए कल उसके द्वारा पावरफुल ऑरा क्रिएट करेंगे, मुस्कुरा के उठेंगे। उठेंगे क्या विचार है कि सिर्फ सुन रहा है शिविर, क्या लग रहा है, और रात को सोना है तो भी मुस्कुरा के सोना। कैसे सोना देखो, विधि बता रहे। सारे दिन में ट्रस्टी भाव से कर्म करना, रात को जो परिणाम निकले, हार जीत निंदा स्तुति, कोई प्रेशर कोई लोड, सर्वोच्च पिता को अर्पित करिए। प्रभु आप संभालो, मैं हेड नहीं हूं, हेडेक आपका, मैं ट्रस्टी हूं। दिल से सारे बोझ अर्पित कर दीजिए, आप देखना आपको फील होगा परम शक्ति ने वो बोझ हर लिया, वो आपका पिता है। भगवान के आप बच्चे, पिता बच्चों को चिंतित नहीं देख सकता। तो दिल की गहराइयों से भगवान को अपने घर का मुखिया बना के तो देखिए, सारा संभाल लेगा वो। तो कैसे उठेंगे, उठना भी मुस्कुरा के, उठते से भी 5 संकल्प जो कल दिए, और सोना भी मुस्कुरा के। अभी एक गुड बाय टेंशन उत्सव की कड़ी में बहुत सुंदर गीत बजेगा, मुस्कुराए जा। आप सबको क्या करना है, प्लीज आप घर में बैठे ना रहिए, खड़े हो जाएं अपने अपने स्थानों पर। तनाव की विदाई का उत्सव मना रहे हैं और ताली बजाकर गीत गाएंगे, गीत शुरू होगा। मुस्कुराए जा, ताली बजाकर। तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे, अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा, हर घड़ी है एक इम्तिहान, गिर के ही संभलते सब यहाँ, बहादुरों का ही है ये जहाँ, हर एक हाल में किसी भी चाल में हिम्मत न हारो, मुस्कुराए जा। हो 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 तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे, अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा, मुश्किलों से हारना नहीं, जिंदगी गुजारना नहीं, मन कभी तुम मारना नहीं, किसी भी मोड़ पे कोई साथ छोड़ दे, हिम्मत न हार मुस्कुराए जा। हो 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 आएंगे,
अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा, ओ तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा। बहुत सुंदर, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आप सभी अपने अपने घरों में खड़े हुए होंगे, मुस्कुराए होंगे। और भाइयों बहनों, ये जो मुस्कुराहट की वेव्स है, सबसे पहले आपके शरीर में जा रही है, आपको स्वस्थ कर रही है, इम्यूनिटी बढ़ा रही है। और आपके मुस्कुराहट की जो वेव्स है, आपके घर में फैल रही है। और आपके मुस्कुराहट की वेव्स आपके धंधों में, कारोबार में, वो भी फैल रही है। तो मनाया आपने घर में बैठे बैठे गुड बाय टेंशन उत्सव। हर उत्सव अलग अलग तरीके से हम मनाएंगे, तो आज हम क्या समझ रहे हैं, पर उसके पहले मैं जरा दोनों दिन का सार रिवाइज करूं। कल के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देती हूं। कल इस शिविर का तीसरा दिन, 7 days हैप्पीनेस प्रोग्राम, कल मनाया जाएगा ऑनलाइन खुशियों का उत्सव। कल हम आपको खुशी का रिमोट दे देंगे, खुश रहने के नुस्खे बताएंगे। ध्यान से सुने, कल के उत्सव के द्वारा अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशी की तरंगे फैल जाए, तो हर व्यक्ति 5-7 बलून का बंच अपने पास रखिएगा। कल के उत्सव के लिए ये तैयारी करके रखनी है, 4-5-6 बलून, रंग बिरंगे, कलरफुल, एक एक व्यक्ति। तो मैं दोनों दिन का रिवाइज करती। मेन चीज हम क्या समझ रहे हैं, शिविर का थीम क्या रहा आज का और कल का मिला के, क्योंकि रिवीजन जरूरी है कि ये परीक्षा की घड़ी सभी के बीच में आई है, पर आध्यात्मिक सहारे के द्वारा, संकल्प शक्ति के द्वारा, आत्मबल के द्वारा हम इस संकट की घड़ी को अवसर में बदल ही देंगे। तो ऐसा नहीं करना कि आज का लेसन पढ़ा तो कल का भूल गए। जो कल 7 विचार आपको हमने दिए थे एक्शन प्लान के, वो नियमित सुबह उठकर आपको 10 मिनट करना ही है। जैसे हम पाठ करते हैं ना रेगुलर, और बहुत अच्छी अनुभूति चाहते हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप उसको लिख लिख कर करें। कल भी बताया था, लिखने से ब्रेन के अंदर एकदम छप जाता है। फिर बता रही हूं, जो परिस्थितियां चल रही है उसके बारे में नहीं सोचना है, जो तनाव चल रहे हैं वो नहीं सोचना है, जो आप चाहते हैं वो सोचना है। तो जो कल 7 विचार दिए थे वो लिखिए, विश्वास के साथ लिखिए। तो संकल्प से सिद्धि, जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे। और आज क्या हमने अच्छा संकल्प लिया, आज संकल्प लिया मैं आनंद में हूं। दिन भर गूंजने दीजिए आवाज अपने भीतर, मैं आनंद में हूं। एक ट्यून बना लीजिए, मैं आनंद में हूं। सिर्फ बोलना नहीं है, भीतर से फील हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मैंने बताया था, आनंद में होने से आपके भीतर आनंद जागृत हो जाएगा। और निश्चित मानिए, हजारों नहीं लाखों भाई बहनों का अनुभव है कि अगर आप सिंसियरली ये सोचेंगे तो परिस्थितियां साइड हो जाएंगी और आनंद में रहना आपका संस्कार बन जाएगा। और जो आत्म अनुभूति की बात मैंने आपको बताई आज, जितना चलते फिरते
आप ये आत्मज्ञान देखिए, एक मिनट घर में बैठकर शांति से सोचिए तो सही, आज घर बैठे ऑनलाइन क्या मिल गया। मैं तो कहती कितने पुण्य है आपके, लोग सत्संग सुनने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते, पर ऐसा समय आया कि आप बाहर नहीं निकल पा रहे, ग्रुप्स में इकट्ठे नहीं हो पा रहे। तो प्रभु पिता देखो कितना दयालु है, कितना उसको आपकी चिंता है। घर बैठे आत्मज्ञान मिल गया आपको आज, सोचिए तो सही क्या प्राप्ति हो गई। जिस आत्मज्ञान के लिए लोग तपस्या करते हैं, जीवन लगा देते हैं, वो आज आपने एक घंटे में अनुभव कर लिया। तो फिर मैं इसको आपको समझा रही हूं, ये मेरे भाव को समझिए। जितना हम भौतिक फिजिकल कॉन्शियस में रहते हैं, दिन भर मैं शरीर हूं, मैं बॉडी हूं, मैं डॉक्टर हूं, बॉडी कॉन्शियस फिजिकल आइडेंटिटी में रहते हैं, तो इससे हमारी इम्यूनिटी घटती है। और ये जो आज आत्मज्ञान मिला, बच्चे की तरह, बच्चों को हम बोलते हैं ना कि ये पहला लेसन है, इसको घोल के पी जाओ। तो आध्यात्मिक ज्ञान का ब्रह्मा कुमारी पहला लेसन देती है, स्वयं को जानना। चलते फिरते भी अगर आप ये सोचेंगे मैं एक ज्योति बिंदु हूं, ऐसे सोचना है आपको, जैसे मैं कह रही हूं मैं एक प्रकाश की बिंदी हूं, मैं एक पॉइंट ऑफ एनर्जी हूं, मस्तक के बीच चमक रही हूं, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं। तो बिल्कुल ऐसा सोचने से फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय निकल ही जाएगा, और जो फियर है, जो भी डर लग रहा है, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये सोचने से पावरफुल ऑरा क्रिएट होगा। और बिल्कुल आप करके तो देखिए कैसे आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है। ये जो हम तरीके बता रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटेड और टेस्टेड है। कई कहते हैं ना भाई एक्सपेरिमेंटेड दवाई बताओ, तो ये एक्सपेरिमेंटेड दवाई है। तो क्या होमवर्क हुआ, ये आत्मा का, ये जो आपका एक्शन प्लान है, ये सोचना है। और बिल्कुल आज सोना कैसे, बिल्कुल मुस्कुरा के, टेंशन में नहीं, बिल्कुल प्रभु को बोझ देके कि आप संभालो, मैं ट्रस्टी हूं, घर का मुखिया। और सुबह उठे तो सारे संकल्प रिवाइज, फिर रिपीट, सोना भी मुस्कुरा के और उठना भी मुस्कुरा के। अभी मुस्कुरा लो तो आज से गुड बाय टेंशन, तनाव शब्द की विदाई, उसकी जगह मैं आनंद में हूं। आपको लग रहा होगा कि दीदी कैसी बात कर रही है, इतनी परिस्थितियां चल रही हैं, कितनी चुनौतियां आ गई, पर भाई बहनों समय परिवर्तनशील है, यह समय गुजर जाएगा। ईश्वर आपको और अच्छे के लिए तैयार कर रहा है। और मैं यही कह रही हूं, कैसी भी परिस्थिति आई, पॉजिटिव संकल्प और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाकर और आध्यात्मिक सहारे को अपनाकर, मनोबल बढ़ाकर हम सब संकल्प करेंगे कि इस चुनौती को, इस संकट को हम अवसर में बदल ही देंगे। क्या नहीं कर सकते, सर्वशक्तिमान परमात्मा के हम बच्चे हैं। ठीक है, संकल्प से सिद्धि। तो चलिए 2 मिनट हम फिर मेडिटेशन करेंगे, बहुत प्यारा गीत भी बजेगा, और फिर रिपीट करती कल के उत्सव के लिए परिवार सहित बैठना है, हर एक को अपने साथ 5-5, 6-6 कलरफुल बलून का बंच। और किसी को बहुत प्रॉब्लम है, बलून नहीं मिल रहे, अवेलेबल नहीं है, तो आप कलरफुल बॉल भी रख सकते हैं। चलिए अभी 5 मिनट फिर डीप अनुभव, मुस्कुरा के बैठिए जरा। अपने मस्तक पर ज्योति बिंदु आत्मा समझिए, मैं आत्मा
इस शरीर की मालिक हूं, अपने मन की भी मालिक हूं। राजा बनकर मस्तक के बीच विराजमान हूं। जो आदेश मैं आत्मा देती हूं, मन मानने को बाध्य है। मस्तक पर बैठा अनुभव करिए, मैं चैतन्य हूं। जब मैं चैतन्य शक्ति जड़ शरीर में प्रवेश करती हूं, तब शरीर बोलता है, सुनता है। आत्मा राजा मस्तक पे विराजमान, मन को आदेश दीजिए, मन तो शांत हो जा और अनुभव करिए, मन मेरी आज्ञा के प्रमाण शांत होता जा रहा है। मन को आदेश दीजिए, तू सिर्फ पॉजिटिव ही सोच, मैं शक्तिशाली आत्मा राजा मन की मालिक हूं। मन मेरी आज्ञा को मानने के लिए बाध्य है, मेरे आदेश अनुसार चल रहा है। मन को कह रही हूं तो हल्का रहे, सौंप दे सब चिंताएं, ट्रस्टी बन जीवन जी। अभी एक बहुत प्यारा गीत बजेगा, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर। पर जब ये गीत बजे तो अपनी सारी चिंताएं, फिकर, दुख, बोझ सब प्रभु पिता को समर्पित करते जाइए। मैं ट्रस्टी हूं, ये धन आपका, परिवार आपका, कारोबार आपका, मैं बादशाह बन आनंद में जीवन जीऊंगी। तो गीत तुम्हें सौंप कर, सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, ये सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर।
सोचूं भी क्या, सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। सोचूं भी क्या, सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ये सब है तेरी खूबियों का सर कि भैया